हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका बनाया जा रहा है क्यों हम लोग जेईई में फेल कर जाते हैं बार बार, ठीक है। और खास करके उन सभी बच्चों को जो फेल कर गए एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, उनको देखना जरूरी है। मैं आपको वो मूल मंत्र बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और हम लोग क्यों फेल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला चीज सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। पहला चीज हम लोग क्या होता है, रीजन हम लोग जान लेते हैं क्या वो फेल करते हैं, फेल का रीजन क्या है, ठीक है। पहला चीज क्या होता है कि हम इच्छा ही नहीं दिखाते, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। फिर दूसरी बात क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लैक ऑफ टाइम, समय की भी कमी रहती है हम सभी लोगों के पास। तीसरा चीज क्या है, बुक देख के दिमाग खराब हो जाएगा, वॉल्यूमिनस बुक। चौथा चीज क्या है, हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, है ना। तो अब इंटरेस्ट नहीं है, सही बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या पढ़ के फायदा होगा। इंटरेस्ट डालना पड़ेगा आपको, उसके उपाय नहीं है, बिना इसके कुछ होगा नहीं, ना इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलने में बहुत हैम्पर होता है, लैक ऑफ टाइम, समय नहीं रहता है, मैं भी मानता हूं, समय निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, मजबूरी में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, खुशी खुशी तो कोई कर नहीं रहा है। किताब भी मोटी है, वो भी समझ में आता है कि आपका 3 बुक्स है 700 पेजेस का आसपास, तो हो गया आपका 2100 पेज, ये बात भी समझ में आता है मुझे, ठीक है। तो कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट से कोई सक्सेस मिलता नहीं है, दुर्भाग्य से, नो सक्सेस, ठीक है। शॉर्टकट से कोई सक्सेस नहीं मिलता, हो सकता है 100 में से एक बच्चा, 2 बच्चा निकल जाए, हर कोई नहीं निकलता है, निकलते तो आप वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है, निकलते तो आप सिर्फ जेईई का बात सुनते ही नहीं, ठीक है, नहीं निकल रहा तभी तो परेशान है, ठीक है। अब करना क्या होता है वो समझिएगा, होता ये है कि आप क्या करेंगे, नोट्स को कहीं से डाउनलोड कर लेंगे, दूसरा चीज क्या करेंगे, यूट्यूब का कोई ना कोई वीडियो आप देखेंगे, यूट्यूब की वीडियो देखना चालू करते हैं हम लोग, ठीक है, यही करते हैं ना, और क्या करेंगे, वीडियो डाउनलोड करेंगे चाहे यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, इससे होगा कुछ नहीं, नोट्स जो रहता है आधा अधूरा रहता है, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो तो अगर इतनी मोटी बुक है, कोई आदमी उस वीडियो को कैसे घंटा 2 घंटा में बना सकता है, ये नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है, बनाने बैठे तो पता चलेगा 80-80 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो आधा अधूरा क्या बोलूं, मतलब 1/10 पढ़ के जाने से, 1/20% पढ़ के जाने से रिजल्ट नहीं आता, और क्वेश्चंस जो रहते हैं ना आज के डेट में वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, सीधा सीधा क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। और ये सब चीज उस तरह की वीडियो में कवर अप नहीं किया हुआ रहता है, और लोग जब पोर्शन ही पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते हैं, ना इससे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। अरे सिलेबस कंप्लीट होगा तब तो पढ़ोगे, तब एग्जाम दोगे ना, कंप्लीट सिलेबस दोनों में कहीं भी नहीं कराया रहता है, असली चीज ये है, और इसकी वजह से मार खाते हैं। और उससे बड़ा क्या होता है, नोट्स आप कभी नहीं बनाते हो, जो हम बोलते हैं ना नोट्स, जिसको सेल्फ नोट्स लिख लीजिए, सेल्फ नोट्स जो होता है हम लोग कभी भी नहीं बनाते, ठीक है, कभी नहीं बनाते, क्यों, समय मर जाएगा। अरे भाई समय मरने दो ना, मरने दो समय को, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यही इन्वेस्टमेंट है, यही होता है इन्वेस्टमेंट, आप समय को इन्वेस्ट कर रहे हो, सही जगह नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाने से क्या होता है, दिमाग में वो बातें चलती हैं, दिमाग में वो बातें आती हैं, नोट्स बनाने से फायदा होता है, रिवीजन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिवीजन, सबसे बड़ा चीज, एग्जाम में ही तो काम आएगा। दूसरा चीज क्या होता है, मेरा ये बोलना कम पढ़िए, ज्यादा मत पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, फेल, कम पढ़िए, रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तो पक्का रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। सातवां चीज क्या होता है कि यहां पे आप जो नोट्स नहीं, हाँ सातवां चीज ये है कि सॉरी, इसी ये नोट्स जो है ना आपका प्रमोशन एग्जाम में भी बहुत काम देने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको प्रमोशन एग्जाम में भी हेल्प हो गया, दोनों फायदा, जेईई भी क्लियर हो गया, प्रमोशन एग्जाम में भी हेल्प हो गया। अब प्रमोशन एग्जाम में जो आपका लीगल का पोर्शन है ना, उसमें समझ लो क्वेश्चन ही भरा रहता है प्रमोशन एग्जाम में, तो बहुत हेल्प होता है इससे, तो इसको नजरअंदाज करना गलत होगा। और बार बार फेल नहीं करना चाहते तो नोट्स बनाइए, तभी पास करेंगे आप, ठीक है। और देखिए फिर रिजल्ट कैसा आता है, है ना, फिर देखिए रिजल्ट बताइएगा कैसा आता है। और एक चीज और, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ये सोचते हैं कि 50% मार्क्स आ जाए, ठीक है, मान लीजिए उसमें अगर 1 मार्क्स कम हो गया,
कितना हो गया 49% मार्क्स। नोट्स बनाते हैं अगर आप, ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका 65% मार्क्स, माइनस 1% भी कर देते हैं या चलो 3% भी रख दो ठीक है, लेस कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा 62% मार्क्स। तो आप पास करोगे ही करोगे, और इस तरीके में रहोगे तो फेल ही करोगे। और नॉर्मली फेल ही, ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया, कोई भी चीज आपको 100% नहीं मिल पाता है, 100% मैं बोलूं कि कंटेंट आपको नहीं मिल पाता है ठीक है, समय भी नहीं है कि बुक से पढ़ पाएंगे, तो वो सब चीज का भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है ठीक है। अब आप सभी लोगों के लिए एक कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है फेस टू फेस वीडियो लेक्चर कोर्स। ये क्या होता है, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, कैसा लग रहा है, इंटरेक्टिव लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है जहां पे टीचर सामने पढ़ाता है, जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं ठीक है, आप उस साइड बैठे हुए हैं, चाहे मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा हो जैसे मैं किसी कोचिंग स्टूडियो में बैठा हुआ सामने मैं पढ़ रहा हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका मतलब ही वही चीज है कि आप कोचिंग स्टूडियो में बैठे हुए सामने पढ़ रहे हो। और ऐसा कोर्स बनाया जा रहा है जिसपे इंटायर सिलेबस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटायर सिलेबस आपका कवर होगा ठीक है, एज पर 2019 एग्जाम के हिसाब से। इसमें आपका सबसे पहला मैकमिलन बुक कवर होगा, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आउटसाइड बुक्स, क्या बोलेंगे आउटसाइड बुक, तो आउटसाइड बुक का भी चीज कवर होगा ठीक है। पूरा फुल मैकमिलन बुक कवर है, पूरा का पूरा फुल बुक कवर है, प्लस आउटसाइड बुक का भी कंटेंट कवर होगा। अब इसमें करना क्या होगा आपको, मैं आपको इसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह सब रहेगा, एवरीथिंग मैं बताऊंगा आपको। करना क्या होता है, आपको डेली बेसिस आपके अकाउंट में वीडियो आएगा डेली बेसिस, तो आपके ऊपर एक मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। क्या बोला मैं, नहीं पढ़ूंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर रहता है मेरे ऊपर, आदमी मजबूरी में पढ़ेगा, पढ़ेगा और अच्छा नंबर लाएगा। हम लोग 50% नंबर नहीं सोचते ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि मैं 50% नंबर नहीं सोचता, 50% नंबर सोचूंगा, ये स्वाभाविक सी बात है कि उसमें से एक नंबर या दो नंबर कम होना ही होना है, तो आपका आ जाएगा 49 और 48 मार्क्स। क्या फायदा वो कोर्स करने से, फेल ही करना है मुझे तो फेल कर गया, ये चीज नहीं चाहिए। हमारा मकसद है कम से कम 65% मार्क्स, उसमें से अगर मान लेते 3 मार्क्स भी मेरा कम आ गया, हो गया 62% मार्क्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास ठीक है। ये हुआ चीज, ये होता है चीज। और यहां पे क्या लिखा रहेगा, पास भी कर गया तो जस्ट पास। नॉर्मली क्या होता है जब प्रमोशन में जाते हैं ना, स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 तक प्रॉब्लम नहीं है, 4 में जाइएगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, पिरामिड है ना, यहां ज्यादा लोग काम करते हैं, यहां कम काम करते हैं, और कम यहां और कम, जब इस लेवल पर आते हैं तो यहां पे छटनी बहुत ज्यादा होता है, 10 लड़के में से एक का होगा, 20 में से एक का होगा, स्केल 3 20 है तो एक चीफ मैनेजर बनेगा ठीक है। पूछेंगे सीधा सीधा, बेटा कितना परसेंटेज लाया हो जीआईबी में, बताओगे 50%, बोलेंगे सभी बच्चों को तो 50% आया, तुम्हारे में ऐसा क्या है जो तुमको मैं लू। पर अगर आप ये बताएंगे कि मेरा 62% आया, फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, बिना पूछे आपको ले लेंगे, क्योंकि 62% एक बड़ा नंबर होता है, जीआईबी में लाइए, सीआईबी में लाइए, अगर जो बच्चा ये ले आता है तो मेरे समझ से उसका टाइमली प्रमोशन होना ही होना है ठीक है। अब 4 साल में एक्सपेक्ट करिए अपना प्रमोशन, तो ये एक अच्छा चीज आपको समझ में आ रहा होगी बात जो मैं बता रहा हूं, अच्छा चीज और बहुत बढ़िया दिमाग में जा रही होंगी बातें, क्योंकि ये मेरा मोटो है, मेरा मोटो ये है कि 65% नंबर लाना। दूसरी बात, आपको मैंने बोला कि नोट्स बनाइए, नोट्स मैंने क्यों बोला, नोट्स अब जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करूंगा उसमें जितनी कंटेंट जो बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, हाथ से जो भी मैं लिख रहा हूं, उन सारे कंटेंट्स को आप एज इट इज अपने कॉपी में लिखेंगे, क्या करेंगे, एज इट इज अपने कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। तब जाके कहीं रिजल्ट आता है, ऐसे रिजल्ट नहीं आता है। आप लोग ऑलरेडी फेल कर चुके हैं, आप लोग के दिमाग में ऑलरेडी चल रही होंगी बातें कि कैसे क्या करना है, पास करना है, जीआईबी का नाम जिंदगी में दोबारा ना देखें आप, इसलिए ये कोर्स बनाने का मेरा इंटेंशन था, ये प्रोग्राम था, मन में चल रही थी बातें कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम भी बनाया।
कि अब आपको कभी भी जिंदगी में दोबारा ये चीज ना देखना पड़े। ये चीज करेंगे तो पक्का रिजल्ट आपको आना है, बट नेचुरल। ठीक है, मैं आपको सारी कंटेंट बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एलाबोरेट करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आपका काम क्या है, कॉपी खरीदना, हर पेपर के लिए अलग, जैसे प्रिंसिपल के लिए अलग, लीगल के लिए अलग, अकाउंटिंग के लिए अलग, खरीद लिया। दो पेन यूज करिए, ब्लैक फॉर हाईलाइटिंग द वर्ड, ब्लू फॉर राइटिंग एंटायर स्टेटमेंट, या लाइन बोल लो, या फिर पूरा एंटायर कंटेंट आप लिखेंगे उससे। ठीक है, ये काम करना आपको डेली बेसिस, हर मैं 5 दिन पे, 5th डे पे रिवाइज कराता हूं मैं आपको। ठीक है, रिविजन भी तो उतना ही जरूरी है। देखो आप कम पढ़ो वो भी चलेगा, पर रिविजन जरूर करो, कम पढ़ो सब चलेगा, रिवाइज करना जरूरी है। हाथी घोड़ा पढ़ लिया, एग्जाम आ रहा है, कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं, रिवाइज करिए, वो ज्यादा जरूरी है। इतना अगर आप करते हैं तो मेरे समझ से कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, 120% गारंटीड तरीके से बोलो पास करना ही करना है आपको। यहाँ का हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, 3000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, पीडीएफ में रहेगा, और 100 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ऊपर बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, जो आपके मन में डाउट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि संभव नहीं पूरा 3000 का क्वेश्चन कोई बोर्ड पे बताएगा। नोट्स पीडीएफ में मिलेगा, पर एक चीज और, मेरा नोट्स को मत पढ़िए आप, अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं, अपना नोट्स खुद बनाइए, तब आपको रिजल्ट आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, शॉर्टकट मत मारिएगा। देखिए ये उनके लिए होता है ना, जो एग्जाम से 2 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं, 3 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो तो राम भरोसे ही हो गया। ठीक है, जो 2-3 दिन पहले ज्वाइन कर रहा है क्या होगा उसमें, पर आप तो बहुत दिन पहले ज्वाइन करो, 100 दिन पहले ज्वाइन करो, तो आप नोट्स क्यों नहीं बनाते हो अपना, नोट्स बनाओ ना, तब आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, अपना एफर्ट किया है, तब आप सोचना कि 65% नंबर आ सकता है ना, तब आपको 65% नंबर आ जाएगा। ठीक है, जीआईवी का कॉम्बो पैक लेते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, जिसका दाम है 3000। इसमें सेपरेट पेपर नहीं मिलेगा आपको, प्रिंसिपल्स लीगल अकाउंटिंग चाहिए, कोई एक पेपर लेना तो नहीं मिलेगा, अभी तीनों ही पेपर खरीदना पड़ेगा साथ में। और सीआईबी का बहुत कंपलसरी पेपर लेते हैं, जिसका दाम है 2700। सीआईबी एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग का लेते हैं, तो इसका दाम है 3500। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×10=685127, दूसरा नंबर है 7827546946, तीसरा नंबर है 7042586847। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jivcivstudymedal.com, ईमेल आईडी हो गया seed@jimmy.com। थैंक यू।